माना कि तुम जीते हो जमाने के लिए, एक बार जी के तो देखो हमारे लिए, दिल की क्या औकात आपके सामने, हम तो जा भी दे देंगे आपको पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल आधुनिक मनी मंत्र में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों का 30 अक्टूबर दिन सोमवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और मिथुन राशि वालों को आने वाले समय में कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे और स्वास्थ्य आदि कैसा रहेगा। दोस्तों अगर आपकी भी मिथुन राशि है, आप भी जानना चाहते हैं आज का संपूर्ण राशिफल, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों आज सोमवार है, आज भगवान भोलेनाथ का वार है, इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंभु अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल को ऑन जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है 30 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। आज की तिथि है द्वितीया। आज का नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। सूर्योदय 6:31 AM, सूर्यास्त 5:38 PM। सूर्य राशि सूर्य तुला राशि पर है। अभिजीत मुहूर्त 11:42 AM से 12:27 PM। आज का चाणक्य विचार, इन तीन लोगों से पड़ गया पाला तो जीते जी जिंदगी बन जाएगी नरक, दूर रहने में ही भला ही। दोस्तों मौर्य काल के महान राजनीति के आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें हर कदम पर सतर्क और सजग रहने की सीख देती हैं। चाणक्य के विचारों को अपनाने वाले जीवन में कम ही धोखा खाते हैं। चाणक्य ने कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो जीते जी व्यक्ति के जीवन को नरक बना देते हैं। ये वे लोग हैं जिनसे हमारा गहरा नाता है और इन लोगों से प्रतिदिन हमारी मुलाकात होती है। चाणक्य नीति कहती है कि अगर ज्यादा देर ये आपके साथ रहे तो जिंदगी जन्म बन जाएगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों से दूरी बना लें। आइए जानते हैं चाणक्य ने किन लोगों का त्याग करने की बात कही है। दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्योत्तरादायक ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः। अर्थात दुष्ट पत्नी, मनुष्य का सबसे अहम साथी होता है उसकी पत्नी। चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री, जिसकी बोल कड़वाहट से भरे हों, झूठ और धोखा देना जिसकी पितरत हो, ऐसी पत्नी के साथ रहना नरक में रहने के समान है। इससे न सिर्फ पति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है बल्कि बच्चों और परिवार पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। चाणक्य के अनुसार अगर शादी से पहले किसी स्त्री में ऐसे गुण दिखें तो उसे अपनी जीवन संगनी बनाने से पहले व्यक्ति को 100 बार सोचना चाहिए। मुंहफट नौकर, चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके घर का सेवक या नौकर मुंहफट है, मालिक का नादर या पलट कर जवाब देता है, तो उससे संतुलित व्यवहार ही रखें, ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे लोगों को घर में ही ना रखें क्योंकि ऐसे सेवक का साथ मृत्यु को न्योता देने के समान है। ये कभी भी आपके साथ विश्वासघात करके हानि पहुंचा सकते हैं। कपटी मित्र, हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं मित्र। चाणक्य ने मित्रों की पहचान को लेकर भी कई नीतियां बताई हैं। वो कहते हैं जो मुंह पर कुछ पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और हो, ऐसे लोगों को कभी अपने मित्र के लायक नहीं बनाना चाहिए। छल कपट इनकी फितरत होती है। एक समय ऐसा आएगा जब ये आपके साथ भी धोखा करने से गुरेज नहीं करेंगे। दर्द सहनीय होगा जो तिल तिल आपको मारेगा, इसलिए ऐसे लोगों का त्याग करना ही बेहतर है। दोस्तों अगर चाणक्य नीति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज का मिथुन राशि फल। आज का दिन यात्रा की दृष्टि से बहुत ही अनुकूल है। अगर आज आप दूर स्थानों की यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा विशेष लाभप्रद रहेगी। अगर आप विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आज आप यात्रा पर निकल सकते हैं। आज के दिन की गई यात्रा से आपको मन अनुकूल फल की प्राप्ति होगी। अगर आप मनोरंजन के उद्देश्य से यात्रा करते हैं अथवा व्यवसाय के कारण से यात्रा करते हैं, दोनों ही दृष्टि से आज का दिन यात्रा के लिए उत्तम है। आज आपका दिन फेवरेबल है। अपने काम के बीच संतुलन बना के रखेंगे, खुद को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, परिवार वालों के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान भी करेंगे। आपकी कार्यशीलता के लिए सोसाइटी में आपको सम्मानित किया जा सकता है। भौतिक सुख साधनों का लाभ होगा। सभी कार्य सफलता से पूर्ण होंगे। रचनात्मकता की ओर रुझान बढ़ेगा। पक्षियों को दाना खिलाएं, पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। कार्यों में संलग्न होने से सुयश मिलेगा। जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, इससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको नौकरी पेशा में निजी क्षेत्र के माध्यम से बड़ा पद मिलने की संभावना है। मिली जुली प्रतिक्रियाएं लक्ष्य को प्रभावित कर सकती हैं। आपके जन्म के साथ आपके चंद्र जो है वो कर्क राशि में था, तो आज चंद्र संक्रमण के समय चंद्र गुरु शनि और बुध के नक्षत्रों से गुजर रहा है। ये संक्रमण परिस्थिति के अनुसार अनुकूल फल दे सकता है। संक्रमण आध्यात्मिकता का विकास करने में मदद करेगा। आज लंबित कार्य पूर्ण करने का दिन है। धार्मिक यात्रा करने की संभावना है। आप दान धर्म और निसहाय लोगों की मदद करेंगे, इससे स्थिति बेहतर होगी।
होगी। आज आपका जो मन है वो भी उदार रहेगा। आज लोग आपके गुणों की प्रशंसा करेंगे और आपकी यश कीर्ति में वृद्धि होगी। वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लीजिए, स्वयं की पहचान करें। आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपको परिवार का पूर्ण सहयोग मिल सकता है। आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार के किसी फंक्शन में आप व्यस्त हो सकते हैं। लेन देन करने से बचें, आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। जीवन साथी के सहयोग में कमी आ सकती है। पुराने मामलों से मूड खराब हो सकता है। कामकाज के मामले में आप थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं। अनाथालय में कुछ गिफ्ट करें, जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। मिथुन राशि वाले आज अपने व्यापार में वृद्धि महसूस कर सकते हैं। सूर्यदेव की कृपा से आप अपने सभी कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। अपना हर कार्य आसानी से पूरा करें और सोच समझ के करें। व्यवसाय में छोटी सी चूक से हानि हो सकती है। व्यर्थ की दौड़ धूप से बचें। आज परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना बहुत अच्छा रहेगा। आपको कुछ कार्यों में निराशा का सामना भी करना पड़ सकता है। आज आपकी यात्रा की संभावना है। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आप विजयी रहेंगे। क्षेत्र में भाग्य का आपका साथ देगा। अप्रिय घटना ना हो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। आप अपने स्तर पर कई ऐसे निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे जो कि लाभप्रद हों। हालांकि इस हेतु आपको कुछ प्राथमिक सावधानी की जरूरत रहेगी। करियर के क्षेत्रों में अच्छी कामयाबी की भी स्थिति होगी, किंतु देशकाल परिस्थिति के कारण आप कुछ व्यवसायिक क्षेत्रों में अधिक संघर्षशील बने रहेंगे। आज लवमेट के साथ किसी टूर पर जाने का प्लान बना सकते हैं। दोस्तों के साथ या फिर मूवी जा सकते हैं। किसी फ्रेंड पर फोन पर उसका हालचाल ले सकते हैं। व्यापार में लाभ हो सकते हैं। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। खान पान में आपकी रुचि बढ़ सकती है। आज आपकी तारीफ होगी। संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। अपने गुरु को गिफ्ट दें। सबके साथ संबंध बेहतर होंगे। आज वैवाहिक संबंध में आपकी रुचि कम होगी। यह आपके लिए औसत दिन है। यदि आप शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो अपने दृष्टिकोण और व्यक्तित्व में बदलाव लाने की जरूरत है। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। ग्रह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। पड़ोसियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। आगे बढ़ने के बजाय अपने सभी आने वाले कार्यों को खत्म करने पर ध्यान दें। आज आप कोई पत्र अथवा महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त कर सकते हैं। क्रय विक्रय के लिए दिन अच्छा रहेगा। किसी योजना पर कार्य शुरू करने के लिए एवं यात्रा के लिए दिन शुभ है। आंख और चेहरे की सुरक्षा के प्रति आज विशेष ध्यान दें। आज स्वादिष्ट भोजन के भी योग हैं, परंतु खान पान में अति से बचना श्रेयकर रहेगा। अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ शांति और समन्वय बनाए रखें, यह आपके लिए उत्तम होगा। आर्थिक मामलों में आज आपका दिन लाभप्रद रहेगा। आपको किसी काम में बड़ा फायदा होगा। व्यापार में कम मेहनत से आपको अधिक फायदा होगा। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा। दोस्तों की मदद से अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। इस राशि के कंप्यूटर फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। नए ऑफर आपको मिल सकते हैं, चाहे वो लव लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हों। धरती माँ को छू कर प्रणाम करें, लाभ ही लाभ होगा। आज किसी महत्वपूर्ण कार्य के पूरा होने से आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ होगा। रविवार के दिन खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। आपकी सहन शक्ति भी बढ़ेगी। व्यक्तिगत रूप से आपकी प्रगति होगी। पारिवारिक वाद विवाद से छुटकारा मिलेगा। अचानक आपकी आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। इस राशि के जो जातक प्रेम प्रसंग में हैं उनके लिए आने वाला समय बहुत ही उत्तम रहेगा। आज किसी से आपको प्रस्ताव मिल सकता है। अविवाहित जातकों के लिए शादी का ऑनलाइन तरीका लाभकारी साबित हो सकता है। दोस्तों आज आपका शुभ अंक है 5। शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय, माँ सरस्वती की मूर्ति के आगे नीला फूल चढ़ाकर आराधना करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।